देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या का खुलासा। बड़ा मलहरा में हुए कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह उप छोटे राजा हत्याकांड के 10,000 के इनामी हत्यारे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ा मलहरा के पाटिया के जंगल से किया गिरफ्तार। बड़ा मलहरा SDOP राजा राम साहू थानेदार राजेश बंजारे ने किया खुलासा। SP सचिन शर्मा के निर्देशन पर बनाई गई थी 21 सदस्यीय टीम की कार्यवाही। बीते 16 मार्च को बड़ा मलहरा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हुई थी हत्या। दिनांक 16/3/2021 को छोटे राजा पटिया गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 आरोपी नामजद कराए गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े सत्कारियों के नेतृत्व में 22 लोगों की टीम का गठन किया गया था। इसमें TI कोतवाली, TI बड़ा मलहरा, 8 थाना प्रभारी, SIA प्रधान अधीक्षक और अधीक्षक 6 जो है शामिल थे। इन सबों में जगह जगह दबिश देकर के 6 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की सभी पहलुओं का निरीक्षण किया जा रहा है। CCTV कैमरों की जगह सर्च की जा रही है। एक आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कौन कौन से आरोपी गिरफ्तार किए? एक 3 आरोपियों में एक सुनत लोधी है, हरिश्चंद्र लोधी है और राम कृपाल लोधी। अभी जो है ये तो अनुसंधान में क्या कैसा निकलता है, लेकिन हजारों की अनुसंधान के बाद हो पाएगा। इन 3 आरोपियों के ऊपर किस किस थाने में कौन कौन सी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है? उनके खिलाफ जो है थाना अगुआ में हत्या और मारपीट के बाद पंजीबद्ध है। ये कितने समय से फरार चल रहे हैं तीनों आरोपी? इसमें सिर्फ एक इमरत लोधी 4/11/2020 से जो है फरार था। इनको सर कहाँ से पुलिस ने दबोचा? ये अपराध की बताए वस्तु है, अपराध अनुसंधान में है, इन सब बातों का खुलासा दिख गया है। क्या पुलिस इन्हें रिमांड पर लेगी? जैसी भी आवश्यकता होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। 3 फरार आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे? जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर आरोपी क्या सरेंडर हुए या मतलब पकड़े गए? कि हमारी टीम के द्वारा जो है लगातार जो है दबिश दी गई और दबिश के दौरान भागे भागे पड़े, उसमें गिरफ्तार किया।